श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए जया एकादशी के व्रत की कथा लेके आया हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, हे वासुदेव, आपने षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में बताया जो माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है, लेकिन अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, अब मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजेंद्र, सुनो ध्यान से, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया। वह सारे पापों को हरने वाली उत्तम तिथि होती है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली और मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। इतना ही नहीं, ये एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली होती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका बेटा, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या की उत्पत्ति हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित हो गया। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वो शुद्ध गान न गा सकी। कभी ताल भंग हो जाती, कभी लय, कभी गीत बंद हो जाता। इस पर इंद्र ने विचार किया और इसको अपना अपमान समझा। अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच हो जाओ। शाप दे दिया कि तुम पिशाच बन जाओगे। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर दुख भोगने लगे। शारीरिक दुख से पैदा ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है कि हमें ये पिशाच की योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट बड़ा भयंकर है। पिशाच योनि भी बड़ी दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है वो आई। उस दिन उन दोनों ने सभी प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। जलपान तक नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, किसी जीव पर हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। बड़े दुख से दुखी होकर वे एक पीपल के पास बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली बड़ी भयंकर रात आई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से दोनों की पिशाचता दूर हो गई। व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि पुष्पवंती और माल्यवान
दोनों अपने पहले के रूप में आ गए जैसे वो पहले थे। उनके दिल में वही पुराना प्यार आ गया। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे, जैसे वे थे वैसे ही हूबहू हो गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में आए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, बताओ कौन सा तुमने पुण्य किया कि तुम दोनों का पिशाच तब दूर हो गया? किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों ऐसे हो गए हो? तुम्हें तो मैंने श्राप दिया था, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया है? तब देखिए, माल्यवान बोला, स्वामी भगवान वासुदेव की कृपा और जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुदापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वो हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरपश्रेष्ठ जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी जया एकादशी के व्रत की कथा, महात्म्य और विधि जो मैंने आपको बताई। आगे भी भगवान श्री कृष्ण की एकादशी व्रत की कथा आप तक लाता रहूंगा। आज की कथा को यहीं विराम। जय जय श्री राधे।